नहीं की जाती। वो मिसाइल आपके और मेरे एक आम आदमी के हैं। इन्हीं मिसाइल में से एक मसला लेके आज आपके सामने हाजिर हुए हैं जिस पर हम बात करेंगे, वो है हम नौजवानों के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। नौजवान अपने करियर के बारे में फैसला करने में किन मुश्किलात से दोचार होते हैं, उनको किन किन चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। इसी सिलसिले में हमने अपने शो में आज जो मेहमान आपके सामने लेकर आए हैं वो हैं डॉक्टर जुनैरा साकेब। डॉक्टर साहब का अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से एक वेबसाइट है जिसका नाम है merafuture.pk। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ये बहुत एक अहम मसला है जिसको नॉर्मली आजकल वालदैन जो हैं इग्नोर कर देते हैं, इस पर इस चीज को ज्यादातर नोटिस नहीं किया जाता कि बच्चे को जो है किस फील्ड में जाना चाहिए और किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। हमारे मुआशरे में नॉर्मली वालदैन इस चीज को जो है बालाए ताक रख देते हैं कि उनके बच्चे की सलाहियत क्या है, और बस उनके जहन में ये होता है कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो मुझे आप जरा बताइएगा अपने जो है merafuture.pk के बारे में कि इसकी आपको जरूरत क्यों महसूस हुई। जी अमना, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक मसला है जिसके ऊपर पेरेंट्स जो हैं या हमारे जो बच्चे हैं या जो उस्ताद हैं वो ज्यादा सोचते नहीं हैं। शायद सोचते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस चीज को कोई हल करने की जरूरत है या इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत है। वो मसला बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे यहाँ हम अपने बचपन से देखते आए हैं और शायद हमारे पेरेंट्स अपने बचपन से देखते आए हैं कि बहुत ही लिमिटेड सी नोन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर बच्चों को कहा जाता है कि वो इस तरफ चले जाए, जिसमें जैसे आपने कहा कि डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं या पायलट बन जाएं। अब पायलट बनने का रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उसकी जगह कुछ और फील्ड्स में जो है वो ले ली है। अब इन फील्ड्स को बच्चों के सामने एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, और होता ही है कि जब बच्चे जो है इस फील्ड में नहीं जा पाते क्योंकि इनका मेरिट भी अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो बहुत हाई है, तो जब वो बच्चे इस फील्ड में नहीं जा पाते तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत उन पर डिसअपॉइंटेड होते हैं। जो है वो इस चीज को बड़ा प्रमोट करते हैं कि उनके कितने बच्चों का एडमिशन मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, आगे की कोई बात नहीं सिखरता, तो उसकी वजह से बच्चे जो बड़े मायूस हो जाते हैं, उनको फिर समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के पास और पेरेंट्स के पास कोई प्लान ही नहीं होता, बल्कि प्लान ए भी नहीं होता, लेकिन प्लान ये तो चलिए अगर कहें कि बचपन से कह दिया था डॉक्टर बन जाओ, तो डॉक्टर अगर नहीं बन सके तो आगे क्या करेंगे। तो ये एक मसला है जो कि आपने और मैंने भी देखा, हमारे वालदैन ने भी देखा, और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे अपने बच्चे भी ये मसला जो है उसको फेस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इस चीज को हल करने के लिए हमने merafuture.pk जो शुरू किया, ये कोई बहुत यूनिक चीज इस लिहाज से मैं नहीं कहूंगी कि ये कोई ऐसी चीज है कि दुनिया में पहली दफा हो रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में ये एक नई चीज है कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद से बच्चों को इस चीज में मदद करें कि वो अपने अपने आप को एक तो बेहतर तरीके से समझें पहली बात, और दूसरी बात यह कि उसके बाद जब वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से देखें कि कौन सी फील्ड्स उनके लिए जो है वो सूटेबल है। तो पाकिस्तान में पहली दफा हमने सर्विस को जो है वो लॉन्च किया, और अभी हम कोई सवा साल हमें हुआ है सर्विस को लॉन्च किए हुए, और इसकी काफी एक्सेप्टेंस एक हमें मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम 11,000 बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट को ले चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि अभी बहुत कम नंबर है कंसिडरिंग के पाकिस्तान में आप देखें कि अंडर 14 की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, 40% तकरीबन हमारी उस तरफ है। तो ये टेस्ट उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी की डिग्री सेलेक्ट करना चाहते हैं उस बारे में कंफ्यूज है कि कहाँ उन्हें जाना चाहिए, तो ये उनकी मदद करता है रिजल्ट की मदद से कि वो उस डिग्री को जो है वो सिलेक्ट करें। तो एक जो मसला जिसकी आपने बात की निशानदेही की उसी को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में तो इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, के बच्चे से पूछा जाए ठीक है कि उसका किस तरफ जाना है, वालदैन की तरफ से रेजिस्टेंस हुई कोई या वो उन्होंने आपको बड़े जो है पॉजिटिविटी आपको दिखाई? देखिए, मैं हमेशा इस सवाल मुझे अक्सर सवाल पूछा जाता है, मैं सवाल के जवाब में कहती हूँ कि हमें पेरेंट्स ना दो तरह के मिलते हैं, एक वो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को फोर्स किया हुआ होता है
बचपन से उनके मतलब वो शायद आपने देखा होगा, वो अक्सर मीम्स भी शेयर होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और 12 बजे और 12:01 पे फैसला हो गया कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो वो वालदैन उस तरह से उन्होंने बच्चों को किया हुआ होता है, बचपन से उनके दिमागों में डाला होता है, तो वो तो बहुत उनको डर लगता है कि अगर बच्चे ने टेस्ट ले लिया और बच्चा क्योंकि फोर्स्ड हुआ हुआ होता है, तो एक बच्चे के अंदर भी एक थोड़ा क्योंकि एज ऐसी होती है 17-18 साल की, एक बागीपना होता है, वो कहता है कि मैंने इस साइड पे नहीं जाना। तो उन पेरेंट्स के अंदर एक बड़ा फियर होता है कि अगर बच्चे ने टेस्ट ले लिया और फिर बच्चे का अभी रिजल्ट ही आया कि इंजीनियरिंग ना आया मिसाल के तौर पे, मेडिकल ना आया, तो बच्चा कहेगा देखा मैंने तो पहले ही कहा था, तो फिर बच्चा दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर हम इस चीज को कैसे संभालेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस आती है। जो दूसरे पेरेंट्स हैं हमारे, वो एक और एक्सट्रीम वो है पेरेंट्स की जो कि बच्चों को कहते हैं कि जो दिल चाहता है ये करो, वो चॉइस देते हैं लेकिन इस चॉइस के साथ गाइडेंस नहीं देते। बच्चा बहुत यंग होता है, उसको आप सिर्फ चॉइस दे के नहीं छोड़ सकते कि अच्छा जो मर्जी तुम्हारा दिल में आता करो। बच्चा बहुत यंग है, बहुत कंफ्यूज है, उसको गाइडेंस चाहिए होती है। लेकिन साथ ही साथ ही वो पेरेंट्स हैं जो कि इस मामले में खुले दिमाग के मालिक हैं, यानी वो कहते हैं कि अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं ये रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद वो बच्चे को जाहिर है कि ज्यादा बेहतर समझते हैं, उन्होंने बच्चे को पैदा किया है, पाला पोसा है, तो उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत दफा उसके रिजल्ट से कंफर्मेशन होते हैं। यानी जैसे अगर आपका बेटा टेस्ट लेता है तो अपने बेटे को आप बेहतर समझती हैं, तो अगर वो टेस्ट का रिजल्ट भी यही आता है कि इस बच्चे की जो है वो मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और इस बच्चे की पर्सनालिटी भी इसी तरह की है कि वो इंजीनियरिंग की साइड पे ज्यादा सूटेबल हो सकती है, तो आपके लिए एक तरह से कंफर्मेशन है ये। तो आपने सोचा हुआ है, आपको कुछ एहसास है कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी एक सर्टन साइड पे है, इंटरेस्ट सर्टन साइड पे है, तो इट्स लाइक कंफर्मेशन फॉर देम। तो इट्स फॉर द पेरेंट्स हु नो देयर किड्स, ये कोई बहुत ऐसी रिवीलिंग चीज नहीं होती कि उन्हें आज तक पता ही नहीं था कि उनका बच्चा इस साइड के ऊपर है, तो अगर अपने बच्चे को तो ये उनके लिए कंफर्मेशन के तौर पे जो है वो एक चीज होती है। लेकिन बिल्कुल रेजिस्टेंस हमें आती है और हमें अक्सर एक आ जाता है कि आप जो है ना काउंसलिंग तो देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्लीज पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग सर्विस डेवलप करें। तो उसपे अभी मैंने काम शुरू नहीं किया, लेकिन उसपे मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पेरेंट्स को भी थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है एज ए पेरेंट। मैं तो इस चीज को बिल्कुल प्रेफर करूंगी कि जो आपको जो है ये वालदैन के लिए भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स का क्या रद्द अमल था जब उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और अपना रिजल्ट देखा, तो उसमें स्टूडेंट्स का क्या रिजल्ट था? अच्छा, उसमें भी रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ तरह के आते हैं। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह की फील्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में ये समझ लिया जाता है कि जी अगर किसी ने मेडिसिन की साइड पे जाना है तो मेडिसिन की साइड में सिर्फ वो डॉक्टर ही बन सकता है और डॉक्टर में भी MBBS ही बन सकता है। अच्छा, अगर MBBS में नहीं हुआ तो BDS कर ले, डेंटिस्ट बन जाए, लेकिन डॉक्टरी का डब्बा जरूर उसके साथ लगे। तो वो जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो रिपोर्ट है, उसके अंदर हम जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ साइंसेस किसी की फील्ड आती है तो उसमें बच्चों को ये भी बताते हैं हम कि MBBS करना एक काम है, आप BDS भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी बन सकते हैं, आप बायोमेडिकल की साइड पे भी जा सकते हैं। यानी इतनी ज्यादा फील्ड हेल्थ साइंसेज के अंदर है कि अगर आपका ये दिल है कि मैंने बायो ही पढ़नी है, मैंने मेडिसिन के साथ ही लिंक रहना है, तो MBBS इज नॉट द ओनली फील्ड, देयर मेनी अदर फील्ड्स आउट देयर, राइट? जी, तो उनको जो है ना, उनके लिए बड़ी रिवीलिंग चीज होती है, वो बड़ा हैरान होते हैं इस चीज पे कि अच्छा ये भी एक चीज है कि अच्छा हम ये भी बन सकते हैं, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होती है कि अगर उनको एहसास होता है, दिल होता है उनका कि हाँ इंजीनियरिंग मेरे लिए सूटेबल है, ये कंप्यूटर साइंस ही सूटेबल है, और रिजल्ट भी उनका वैसे आता है, तो वो उस हिसाब से उनके लिए फैसला करना आसान होता है। लेकिन साथ ही साथ आना मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो कोई चीज 100% नहीं होती। एप्टीट्यूड टेस्ट उसके रिजल्ट 100% किसी को ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना हम ये कहते हैं कि गैप का कोई इल्म है उसमें। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इट्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। यानी अगर आप वो टेस्ट ले रहे हैं तो आप ही की पर्सनैलिटी, आप ही के इंटरेस्ट और आप ही के सब्जेक्ट एरियाज के बारे में है। हो सकता है कि हमारे जो सजेशन हो AI मॉडल की बेस पे वो होती है, आप वो समझे कि नहीं ये कंप्यूटर साइंसेज मुझे सजेस्ट कर रहा है लेकिन मेरा तो इस फील्ड में जरा बराबर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो फैसला कि हमारी फील्ड का बेशक उससे ना करें लेकिन अपनी पर्सनैलिटी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उसके रिजल्ट भी आपके पास है, आप उसके हिसाब से फैसला कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियंस अबाउट इट, लेकिन इन जनरल हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब स्टूडेंट्स खुश होते हैं जान के कि अच्छा ये भी ऑप्शन है, ये भी अवेलेबिलिटी है। बच्चों के पास यहाँ इतनी भी गाइडेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसको ओ लेवल या ए लेवल या मैट्रिक FSC में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हमारा 90% बच्चा साइंसेस पढ़ के आगे जा रहा है
और वो दूसरी बात ये है कि अगर उसने साइंसेस परसू ही नहीं करनी आगे, तो उसने 4 साल ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो वही 4 साल साइकोलॉजी एक्सप्लोर कर सकता था, सोशियोलॉजी कर सकता था, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कर सकता था जी। तो वो चीजें जो है ना वो फिर उसको हेल्प करती है कि वो अपना सब्जेक्ट जो है वो सोच समझ के सेलेक्ट करे। ठीक, और मुझे जुनैरा ये बताइएगा कि किस एज से आप प्रेफर करती हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेना जरूरी होता है, और क्या ये सिर्फ एक ही बार लिया जाता है या आप प्रेफर करते हैं कि 2-3 बार लिया जाए एक बच्चे का? जैसे मैंने कहा कि ये डेवलप कंट्रीज में काफी कॉमन चीज है, तो वहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अर्ली एज पे शुरू हो जाता है, जब बच्चा 5th क्लास में होता है, 6th क्लास में। हमारी जब हम इस प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, तो वी वांटेड टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चे को समझ नहीं आती मैं डिग्री अपनी जो है वो कैसे लूं। तो ऑल्दो एक अर्ली स्टेज पे होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे प्रोडक्ट उसको केटर नहीं करती, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि 9th क्लास या O1 जिसे हम बोलते हैं, दैट इज अ वेरी सूटेबल टाइम टू टेक दिस टेस्ट, क्योंकि उसमें बच्चा अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा होता है। तो उसमें अगर बच्चे का एक रिजल्ट आता है कि जी आगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए सूटेबल है, तो इन O1 और इन 9th क्लास दे कैन गो फॉर सब्जेक्ट्स विच आर नॉन साइंसेस सब्जेक्ट्स। और उसके बाद हम ये सजेस्ट करते हैं कि हर साल इसको रिपीट किया जाए। रिपीट क्यों किया जाए कि आप खुद समझती हैं, आप खुद माँ हैं, कि बच्चों में बहुत तब्दीली आती है, खासतौर पर जब वो टीन एजेस में होते हैं। एक बच्चा 15 साल की उम्र में जो सोचता है करता है, हो सकता है 16 का होते होते वो बिल्कुल चेंज हो जाए, वो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाए, वो बहुत स्टूडियस से बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए पढ़ाई की तरफ से, उसका मैथ्स से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो बच्चों में बहुत रैपिड चेंजेस का टाइम होता है। तो 9th क्लास में अगर किसने टेस्ट लिया तो 10th में दोबारा ले, फिर 1st ईयर की सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो आपका 2nd ईयर का या FSC का या A-level का टाइम है, जिसके बाद आपने यूनिवर्सिटी जाना है, बिकॉज दैट्स योर डिसीजन टाइम, उसके ऊपर जी। सही, अच्छा डॉक्टर सुनैरा मुझे ये भी बताइएगा, बल्कि मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल और कॉलेजेस जहाँ आप जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला था, इस पे जरा प्लीज बताइएगा। अच्छा, इसमें आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, दैट कन्फेशन इज कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो आई थॉट कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एजुकेशन सेक्टर हमारा, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स इतने मर्ज हो गए हैं और उनका सिर्फ एम मनी मेकिंग है, और शायद हम जब ये आइडिया लेके उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं जी ये तो हम तो इस आइडिया की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे सब्जेक्ट सजेस्ट करें जो हम ऑफर नहीं करते, या आपको हमें देके क्या फायदा है, हमारी थोड़ी फीस निकल रही है। मतलब मेरी कुछ मिसकंसेप्शन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ कन्फेशन, बट इन जनरल देयर हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। स्कूल्स और कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो एजुकेशन की फील्ड में है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे बच्चों से डील करते हैं, उनको इस प्रोडक्ट की नीड की बहुत ज्यादा समझ है पेरेंट्स के मुकाबले में, बच्चों के मुकाबले में। तो जब हम किसी स्कूल कॉलेज में थ्रू होते हैं तो आई वुड से 95% ऑफ द टाइम हमें बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है। हर जगह जाहिर है कि हम इस चीज को परसू नहीं कर पाते, मल्टीपल लिमिटेशंस आ जाती है इसमें, फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, उनकी अपना एकेडमिक ईयर चल रहा होता है, वो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हमें किसी स्कूल की तरफ से ये रिस्पांस मिले कि जी इस प्रोडक्ट की तो कोई जरूरत नहीं है, या ये सर्विस हम क्यों यूज करें, इसका तो कोई फायदा नहीं है। इन जनरल देयर इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पांस, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन के प्राइवेट स्कूल्स, एक उनके ऊपर एक इल्जाम भी लगाया जाता है कि जी बहुत हाई फीस लेते हैं और सब कुछ करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड पीपल देयर जो कि वाकई बच्चों के वेलबींग के बारे में, उनके कैरियर्स के बारे में दे एक्चुअली आर जनरली कंसर्न, और दे आर हैप्पी दैट सच प्रोग्राम्स आर देयर, और वो फिर इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और इसको फिर यूज भी करते हैं। सही, मुझे ये बताइए कि अभी तक आप किन इलाकों तक आपकी रसाई मुमकिन हुई है, और आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान आपका क्या है? जब हमने इसको लॉन्च किया था तो हमने इसको 100% ऑनलाइन ही रखा था, और उसकी वजह यही थी कि हम चाहते थे कि ये पाकिस्तान के हर बच्चे को एक्सेसिबल हो। जो बच्चे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या जैसे और बड़े शहर हैं, फैसलाबाद है, इस तरह की जगह वहां पे रहते हैं, उनकी तो वैसे भी एक्सेस और एक्सपोजर इफ नॉट टूवर्ड्स एप्टीट्यूड टेस्टिंग, एटलीस्ट ऐसे लोगों की तरफ या काउंसलर की तरफ है कि यहाँ पे ऐसी गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन जो बच्चे फार फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं, छोटे शहरों में रह रहे हैं, और यहाँ पे आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन वहीं रह रही है 60% के करीब, तो उनके पास ये एक्सेस नहीं है। तो इसको ऑनलाइन लॉन्च करने का मकसद ही यही था कि हम उन इलाकों तक भी जो है वो अप्रोच करें। तो उससे हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया। वी बीन टू मेनी प्लेसेस इन पाकिस्तान, हम बलूचिस्तान की साइड पे भी जा चुके हैं, हम नॉर्दर्न एरियाज की साइड पे बहुत एक्सेप्टेंस है इस प्रोडक्ट की, हम उसमें चित्राल को कवर कर चुके हैं, गिलगित को कवर कर चुके हैं,
इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के काफी सारे इलाके हमने कवर किए हैं। मैं समझती हूँ कि एक हमारी पेनिट्रेशन जो है वो सिंध की साइड पर भी उस तरह से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं क्योंकि देखिये वहां पर एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का भी और एक बड़ी मेजर पॉपुलेशन का चंक वहां पे भी रहता है। तो उस साइड पे हमारी पेनिट्रेशन मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी अभी वीक है, शायद उसमें हमें काम करने की जरूरत है। वी आर स्टिल अ न्यू कंपनी, तो उधर हम इस तरह नहीं कर सके, बट पंजाब में और जो केपीए के काफी इलाके जो हैं वो हमने कवर किए हैं। और मेरा फ्यूचर के तवस्सुत से और इस प्रोडक्ट के तवस्सुत से ऐसे ऐसे इलाके देखने का मौका मिला गया, कभी नाम भी नहीं सुना था। और मैं ये भी आपको शेयर करूं कि हम लोग एक अपने बबल में और ककून में भी रहते हैं जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं। हमें लगता है कि हम लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, यही अच्छी जगह है, यहीं पे अच्छे स्कूल है, यहीं पे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन मैंने केपी के में खास तौर पे मैंने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स का सेटअप देखा। इतने बड़े स्कूल्स में कई इस्लामाबाद में बहुत कम स्कूल है जो इतने बड़े लेवल पे हों। मैंने बोर्डिंग के बहुत अच्छे सिस्टम्स एक्सप्लोर किए पाकिस्तान के अंदर और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय देम। और आई थिंक उन लोगों को और उन स्कूलों को एक ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो हम अपने ककून से थोड़ा निकले तो पता लगता है कि पाकिस्तान में और भी बड़ी जगहों पे बड़ी प्रोग्रेसिव चीजें हो रही हैं। तो वो हमने एक्सप्लोर की हैं, देखी हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दीस प्लेसेस। बहुत जबरदस्त बात है। और अभी आप मेरा फ्यूचर के हवाले से हमें बताएं कि मजीद आपको एक्सपैंड इसमें आप क्या करना चाहेंगे मजीद काउंसलिंग के हवाले से। हम बहुत सारी चीजों में एक्सपेंड करना चाहते हैं, आइडियाज बहुत से हैं, विजन है एक और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे भी। जिसमें से एक चीज तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये सर्विस जो है पाकिस्तान में हर स्कूल तक पहुंचे। हर बच्चा जो है वो इस टेस्ट को कम से कम एक दफा दे, अपने बारे में जाने, और जो पेरेंट्स हैं वो इस इन रिजल्ट्स को देखें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करें और उनकी मदद करें कैरियर का फैसला करने में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ही हैं जो कि बच्चे के साथ भी वही होते हैं, उसका अच्छा भी वही सोचते हैं, लेकिन उसको गाइडेंस देने में कई दफा कोताही हो जाती है। हम खुद पेरेंट्स हैं, हम समझते हैं कि हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन रह जाती है हमारी तरफ से कमी। तो हम चाहते हैं कि तो वो एक्सेसिबल हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो, सब तक ये चीज पहुंचे। दूसरी चीज जो अब हम करें वो ये हम करें कि मेरा फ्यूचर को हम एक्सपेंड करें ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज कम है जो कि ऐसे कोर्सेज ऑफर करें जो कि एक तो लोकल जबान में उर्दू में हो, अवेलेबल हो, दूसरा ये कि वो बहुत अच्छी फैकल्टी उसको डिलीवर करे और उसके साथ एक सर्टिफिकेशन की एक ऑप्शन हो के कोई भी कहीं भी बैठा वो कर रहा है तो उसके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जो कि एक इंटरनेशनली इंडोर्स सर्टिफिकेट है। तो रिसेंटली हम इस साइड पर भी हमने एक्सपेंड किया है जिसमें हमने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड है। उसमें हम बच्चों को उस साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें एक बड़ी एक फरमाइश कह लें, हमें एक वादी थी कि जी अगर बच्चे ने बाहर जाना हो, पाकिस्तान में ना रहना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हम नहीं कह रहे थे कि जी हम एडमिशन्स तो नहीं करवाते, बट वी ऑल्सो रियलाइज द पैसेज ऑफ टाइम कि पाकिस्तान में वाकई आप ही देखेंगे अगर एक बच्चा पार्फलंग एरिया में बैठा है और उसने आइल्स की एग्जाम देना है तो वो आइल्स की तैयारी के लिए मुझे हैरानगी हुई है सुन के कि बहुत से बच्चे आके यहाँ पे रहते हैं और वो स्टे करते हैं और वहीं आके अकेडमीज में पढ़ते हैं और फिर आइल्स देते हैं और एक आइल्स की फीस अलग और इसका फीस अलग। तो हमने उस नीड को देखते हुए वी लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आइल्स की तैयारी के कोर्सेज हैं। अगर आपने बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके फॉरन यूनिवर्सिटी एडमिशन के कोर्सेज हैं, तो उस साइड के ऊपर भी हमने रिसेंटली एक्सपेंड किया है और इवेंचुअली हमें चाहते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हों और बच्चे वहां से फायदा उठाएं। उसमें से 90% के करीब कोर्सेज हमारे फ्री हैं, anybody can take it and they take benefit from it. तो इवेंचुअली वी वांट कि वो भी एक चीज जो है वो हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट बने जो कि हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर जुनैरा। उम्मीद करते हैं आपकी जो मेरा फ्यूचर .pk का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मजीद तरक्की आप करें, एक बेहतरीन सोच के साथ आप आइए इस फील्ड में। जाते जाते आपकी जो है हमारे शो के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कुछ अल्फाज उसके बारे में कह दीजिए। अमना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शो। आपने एक ये बड़ा ही प्रिसाइज एक फॉर्मेट आपने बनाया है जिसमें जो है
आप ऐसे मसलों की बात कर रही हैं जिसमें आमूमी तौर पे दूसरे शोज के अंदर बात नहीं होती, और मैं पहले बड़ा जरूरत है ऐसे शोज की, ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की जिसको लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का एक काम है वो आप कर रही हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई अप्रिशिएट द टीम्स एफर्ट जो कि शो कर रही है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके जो आने वाले शोज हैं वो भी जो है वो इतने ही आपके लिए बेनिफिशियल हों। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैरा जी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप आज आपको ये शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते बुध के दिन रात 9 बजे आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम सच तो ये है लेकर एशियन ट्रेड टीवी पर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।